हमारी कुछ कार्यक्रम जो है वो विकास के आपके इस इलाके में शुरू हुए हैं। ये हमारी सोजा की लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है, इसको दोबारा ठीक करने के लिए 4 करोड़ 23 लाख रुपये जो है वो हम दोबारा इसको जो है वो इरीगेशन स्कीम को ठीक करने के लिए पैसे का प्रावधान किया है। जांगल स्कीम के लिए भी 3 करोड़ 93 लाख का पैसे का प्रावधान किया, इसको दोबारा ठीक करेंगे। और इसी तरह से एटा की स्कीम है, उसके ऊपर 50 लाख रुपया सैंक्शन किया, जिसको जो है वो दोबारा जो है उसको ठीक करेंगे और इनके टेंडर द्वारा लगे हैं उनको प्रोसेस कर रहे हैं और जल्दी उसके जो है वो पैसे का प्रावधान किया। पिछली बार जब हम जहाँ पर बहुत बड़ी आपदा आई थी, मुझे कई बार जहाँ पर बाड़ा नियंगल इन एरियाज में आने का मौका मिला है, तो उस वक्त भी हमने बड़ी तत्परता से काम किया और कई बेचारे गरीब आदमी थे जिनके पूरे के पूरे घर जो है वो जमीन दोस्त हो गए, उसके लिए हमने 7 लाख रुपया जो है वो जिनका पूरा मकान चाहे कच्चा है चाहे पक्का है वो गिर गया और बह गया, उसके लिए 7 लाख का प्रावधान किया। गिर गए तो 3.5-3 लाख मिल गए हैं, अगर जिनको पूरे नहीं मिले हैं उनकी बाकी बकाया राशि जहाँ पर हमारे तहसीलदार साहब बैठे उनको कहेंगे उनको रिलीज करें। और जब मीन भारती जहाँ पर आपके विधायक रहे CPS रहे, तो बहुत सी पानी और बिजली की जो उस वक्त की कमियाँ थी उनको उन्होंने पूरा किया। और